हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी ऑल इन वन। आपके सामने ये जो बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पर्पल एंड वाइट शेड में जो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं वो पिटूनिया हैं। पिटूनिया फ्लावर जो है सीजनल प्लांट है। ये सीजनल फ्लावर होते हैं। ये आपको नवंबर के बाद स्टार्टिंग होते हैं इनकी, और ये मार्च अप्रैल तक चलते हैं। अगर आप इनकी अच्छी केयर करेंगे तो आप इसके छोटे से प्लांट से ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसकी हो सकती है। बहुत सारे, मतलब एक छोटे से प्लांट पे आपको बहुत सारे फ्लावर मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे इस एक छोटे से प्लांट पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, मैं काउंट करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, और ये जो है ये अभी आज ही मुरझाया है, और ये 10, मतलब 10-11 फ्लावर जो हैं इस पर अभी प्रेजेंट हैं। और ये छोटा सा प्लांट है, ये देखिए, ये सिर्फ इतना सा प्लांट है, छोटे से गमले में है ये मेरे, मतलब 6 इंच का गमला होगा ये। इतने में ही मैंने इनको स्टेयर्स में रख रखा है। एक ही साइज़ के ये पोट हैं सारे, और इसमें जो जितने भी फ्लावर हैं सुंदर सुंदर मैंने स्टेयर्स पे स्टेप बाय स्टेप रख रखा है। और इसकी जो, अगर आप एक सिंगल प्लांट से इतने सारे फ्लावर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है इसकी देखभाल इस तरह से करनी पड़ेगी कि एक तो इसकी मिट्टी जो है, आपको सॉइल जो बन तैयार करनी है उसमें मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, और इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको सनलाइट मिलनी चाहिए। सीजनल प्लांट जो हैं इनको सनलाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि रात को इस ठंड को बर्दाश्त करते हैं तो उन्हें दिन में गर्मी भी चाहिए होती है। तो उसके लिए इन्हें फुल सनलाइट में इसको रखना है, और पिटूनिया में ज़्यादा पानी नहीं देना। और आप ये देख सकते हैं इस मिट्टी मैंने आपको बताई थी फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर प्लांट्स के लिए कैसे मिट्टी तैयार करनी है, वर्मी कंपोस्ट या फिर आपका किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट हो, और गार्डन सॉइल हो, और थोड़ी सी गोबर खाद, और आप सैंड इसमें मिला सकते हैं, कोकोपिट मिला सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें मिलाकर जो हमें मिट्टी भुरभुरी रखनी है। और देखिए, मैंने अभी वाटरिंग नहीं कर रखी। जब मेरे को लगता है कि मिट्टी सूख गई अच्छी तरह से तभी मैं इसमें पानी डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से हमारी फ्लावरिंग कम होगी। फिर आप ये सोचेंगे कि सीजनल प्लांट होकर भी मेरे प्लांट पे जो है फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही, या फिर एक दो फूल ही क्यों खिल रहा है। अगर पिटूनिया हो गया, डाइंथस हो गया ये पिछड़ा, तो ये डाइंथस पे मैंने आप वीडियो बनाई थी। ऐसे जो प्लांट होते हैं इसमें एक दो फूल नहीं है, फूलों के मतलब इतने फूल आ जाते हैं कि पत्ते ही बहुत कम दिखाई देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये प्लांट देखिए, इसमें 20 इधर ग्रीन दिख रहा है, इधर ग्रीन दिख रहा है, बाकी आप ये देखिए चारों तरफ फूल ही फूल है। तो इसके लिए इसकी मिट्टी का ध्यान रखना है। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर चाय पत्ती किचन से निकालती है वो, मैं इसमें 10 दिन में 1-1 चम्मच डाल देती हूँ। और इसमें अगर फिर भी आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, मिट्टी अच्छी है, पानी कम दे रहे, सब कुछ, तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट आपको 1 चम्मच 2 लीटर के अंदर 1 चम्मच पानी को जो है घोल लेना है, और फिर जब एक एक मग्गा आप सब में फ्लावर प्लांट में डाल दें तो उससे भी आपकी फ्लावरिंग अच्छी होने लग जाएगी, एप्सम सॉल्ट से भी। और एक आप इसमें छाछ ज़रूर दें, और हो सके तो छाछ को फर्मेंट करके दें, 3-4 दिन उसको जो है बाहर रख दें, और जो उसका ऊपर का खट्टा पानी होता है उसको आप छान कर इसके अंदर डालें। अब दूध है, दूध को 1 लीटर पानी में जैसे थोड़ा सा आपने 1 कप दूध मिला लिया, छोटा सा मतलब आप ही लगा लो, टेबल स्पून जो है 4-5 चम्मच मिला ली, ऐसे करके उसका स्प्रे कर दें। और इसको कैल्शियम भी चाहिए होता है, फास्फोरस भी चाहिए होता है, पोटेशियम भी चाहिए होता है। वेजिटेबल्स के छिलके जो आते हैं उसको बॉईल करके आप उसको उसका पानी इसमें दे सकते हैं, या फिर उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर फर्मेंट कर उसको दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें केयर करनी होती है। इससे आपको क्या, एक सिंगल प्लांट पर ही बहुत अच्छे जो फ्लावर मिल जाएंगे। आपको दिखाई दे रहे हैं कि डाइंथस के पीछे देखिए, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। और जब आपका गार्डन इन सब फ्लावर्स से खिलता रहता है
तो जो है घर में जो भी आता है उसकी नज़र जब पड़ती है ना इन ऐसे मतलब देखते हैं कि तो सब देखते रह जाते हैं, मतलब ऐसा हाल हो जाता है। तो आप भी इन प्लांट्स को लगाइए और इनकी केयर इस तरह से कीजिए जैसे मैंने जो जो बातें बताई है। सनलाइट रखिए, पानी कम दीजिए, मिट्टी सूखने पर ही पानी दें, और फर्मेंट की करके चीज़ें जो डाल सकते हैं वो डालिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप पिटूनिया के बारे में यही बताना था। और ये आपकी मार्च अप्रैल तक जो है, मार्च तक ही समझ लीजिए, नॉर्थ इंडिया में गर्मी जल्दी पड़ जाती है, मार्च तक जो फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद में आपको इसको सितंबर अक्टूबर में फिर से आप इसके सीडलिंग करके इसको तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।